नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंदौर से आपको बता दें जहां प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई है। जी हां, पीतमपुर में कृति ग्रुप कंपनी में भीषण आग लगी है। औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर नंबर 2 में ये कंपनी स्थापित है। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीतमपुर में स्थापित एक प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस आग ने कितना विकराल रूप ले लिया है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है इस आग पर काबू पाने के लिए। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है। अचानक कंपनी में ये आग लग गई। पीतमपुर में ये कंपनी स्थापित है, कृति ग्रुप कंपनी में ये भीषण आग लगने का हादसा हुआ है। आग बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ संवाददाता ललित शर्मा जुड़ चुके हैं। ललित, भीषण आग लगी है, तस्वीरें हम देख सकते हैं, कई दमकल दस्ता मौके पर मौजूद है, फिलहाल की क्या स्थिति बनी हुई है? इंदौर के समीप पीतमपुर जो है वो बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर कई फैक्ट्रियां मौजूद हैं। आज अभी कुछ ही देर पहले कास्ता पाइप फैक्ट्री, जो कि कृति पाइप फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है, जो कि प्लास्टिक के पीवीसी के पाइप बनाती है, जहाँ पर अभी आग लगी है और बहुत भीषण आग है, क्योंकि पीतमपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा भी चल रही है, जिसके कारण आग और तेजी से फैल रही है। इसको लेकर 10 से अधिक दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद हैं, जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रही है। इंदौर से भी दमकल की गाड़ियां रवाना हुई है, पास में जो महू सैन्य इलाका है वहां से भी दमकल की गाड़ियां रवाना हुई है, और सारे वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य अमला और तमाम जो लोग फैक्ट्री के आसपास भी कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पर इस आग का असर हो सकता है, इसलिए वहां के फैक्ट्रियों के लोगों को भी बाहर कर दिया गया है और अलर्ट पर रखा गया है कि यदि ऐसी अनहोनी घटना होती है तो कोई जनहानि ना हो। जी, क्या कुछ कारण समझ में आ रहे हैं आग लगने के, और नुकसान की बात की जाए तो क्या आंकलन लगाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनी है प्लास्टिक पाइप बनाने की? देखो, नुकसान की बात करें मैम तो ये जो फैक्ट्री है ये लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान इसमें आका जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस कुछ कहने से बच रही है, क्योंकि अभी फिलहाल जो आग लगने का कारण है वो पता नहीं लगा है, लेकिन हाँ लाखों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए। तो इंदौर से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां प्लास्टिक पाइप बनाने की कंपनी में भीषण आग लग गई, अचानक ये आग लगी है। हालांकि पुलिस प्रशासन, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग को बुझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, और अचानक ये आग लगी है, पूरा स्थल को खाली करवा दिया गया है जिससे कोई जनहानि ना हो, और लगातार आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।